के आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन आरआरबी एनटीपीसी के रिजर्व आंधी की बात कही गई थी उसको लेकर के आज बिहार बंद करने की मांग की गई थी। वो आप देख सकते हैं कि अभी हम मौजूद हैं साइंस कॉलेज के पास पटना के और यहाँ पे जांच कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है किस प्रकार से जाम करने की कोशिश की गई है। हम आपसे बात करेंगे कि क्यों क्यों है क्या कुछ हिटलर साहिब वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद रहने वाला पूरा बिहार बंद है, आप देख लीजिए। जन अधिकार छात्र परिषद युवा परिषद और पार्टी ने चक्का चक्का जाम कर दिया है। जिस तरह से खान सर को कल हिरासत में लेकर उनसे बयान दिया गया है छात्रों को रोकने के लिए, एक तो 1.25 करोड़ स्टूडेंट के साथ इतना व्यापक घोटाला रेलवे बोर्ड का, ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है जिसकी जांच का चुनाव ये तिथि यूपी चुनाव के बाद, आखिर यूपी चुनाव के बाद का ये डेट क्यों तय किया है? सरकार इतनी डर गई थी क्या कि यूपी चुनाव के बाद का डेट लेना पड़ गया? हम छात्र लगातार चक्का जाम करेंगे, अब जब तक हमें न्याय नहीं मिलता तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। शिक्षकों की बात की जाए तो शिक्षकों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि छात्र जो हैं वो सड़कों पर ना उतरे, छात्रों को सड़कों पर ना उतरे। हम तो कहें खान सर की गिरफ्तारी कल रात हुई उसके बाद ये वीडियो बनाया गया है और छात्र को दबाव में रखने के लिए इस आंदोलन को वापस लेने की बात कही गई है। क्या आपको लग रहा है कि शिक्षकों और छात्रों को लगातार डर? लेकिन जब तक ये आंदोलन यूपी चुनाव के बाद के डेट देने का क्या मतलब था मुझे ये बताइए। ये लगातार छात्रों को बरगलाने के लिए और कहीं ना कहीं उनको रोकने के लिए डरी सहमी सरकार ने यह आंदोलन खत्म करने का ये जो एजेंडा रचा है इससे हम लोग सुनने वाले नहीं हैं। लगातार इनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जिस प्रकार से आप देखिए कि किस तरीके से जो पूरे रोड को बंद किया गया है और बातें की जा रही है, आज हम लोग पूरे तरीके से तैयार होकर आए हैं। जन अधिकार युवा परिषद और छात्र परिषद हमेशा छात्रों और युवाओं की आवाज बन के रही है। जहाँ जहाँ आप देखेंगे हमेशा युवा और छात्र की आवाज बन के युवा परिषद। आज भी जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज खान सर को अरेस्ट कर लिया गया है, शिक्षकों के साथ भी सिर्फ और सिर्फ जन अधिकार परिषद खड़ा है। जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव भी एकमात्र ऐसे थे जो 11 बजे रात में छात्रों से मुलाकात किए थे। उसके बाद आप कल रात में भी देखे हमें छात्रों से जाकर मुलाकात किए। सिर्फ ऐसा इंसान हर छात्र हर युवाओं का आवाज बन के तरना है। हम लोग एकदम तक जब तक ये देखिए साफ तौर पर इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाती और जब तक ये धांधली का जो है उसको खत्म नहीं किया जाता तब तक जन अधिकार पार्टी की ओर से जो है बंदी रहने वाली ही है। और लगातार पप्पू यादव के नेतृत्व में ये लोग सड़कों पर आए हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग हमेशा छात्रों के साथ रहे हैं और छात्रों के बीच रहने वाले हैं, छात्रों के बीच काम करने वाले हैं। तो आज भी हम लोग पूरे तरीके से बिहार बंद करने का जो आह्वान किया गया था छात्र संघ की ओर से उसको कहीं ना कहीं धरातल पर भी यह दिखता नजर आ रहा है कि किस प्रकार से जो है रोड को जाम कर दिया गया है और छात्रों इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा होकर के लगातार नारेबाजी सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।